सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो वेबसाइट आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है global.atomi.com। यू हैव टू लॉग इन देयर एंड सेलेक्ट योर लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद ये एटोमी हब है, राइट साइड में एटोमी हब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट ज्वाइन। ओके, तो जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ग्लोबल मेंबरशिप ओपन होगा यहाँ पे। तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे बांग्लादेश, राइट। सो इसमें आप देखिए बांग्लादेश प्री लॉन्च में रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बहुत ही जल्दी एटोमी बांग्लादेश लॉन्च होने वाला है, राइट। सो बांग्लादेश का ये यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और गो टू वेबसाइट। तो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाना है और वेबसाइट पे जो भी स्टेप्स है उसको आप फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। एटोमी बांग्लादेश, यस आई हैव स्पॉन्सर। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सो यस आई हैव ए स्पॉन्सर, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप यस आई हैव ए स्पॉन्सर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये मेंबरशिप गाइडलाइन के फोरम्स है कुछ, आपको ये रीड करना है और फिर इस बॉक्स के ऊपर चेक करना है और नेक्स्ट करना है, राइट। सो नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है नेक्स्ट, ये आई एम एग्री और नेक्स्ट आई अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पे यू हैव टू क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका नाम यहाँ पे डालना है और आपका कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश है, राइट। और उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे आपको। ओके, इस तरीके से सेलेक्ट करके जो भी आपका डेट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट में ये चार बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है आपको और फिर आईडी कार्ड अपलोड करना है, या तो पासपोर्ट या आईडी कार्ड, और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, फिर नेक्स्ट करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिटेल सेंड फिल करनी है, जरीन सीमा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी हमने, बांग्लादेश, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है आपको। ओके, उसके बाद आई एग्री और आईडी कार्ड में वहाँ का जो नेशनल है बांग्लादेश का नेशनल आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो या पासपोर्ट, और उसकी पिक यहाँ पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे करना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक आपको, राइट। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है वो चेक कीजिए यहाँ पे, राइट। सो इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे अगेन आपकी डिटेल्स डालनी है, राइट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आपको डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है। सो ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है, कंट्री नेम, नेम इन इंग्लिश, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगेन, मेल, फीमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, एंड क्लिक ऑन दिस आई विल रिसीव न्यूज़, एंड नेक्स्ट है। उसके बाद मैरिड कपल आर अलाउड ओनली वन मेंबरशिप आईडी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर टू मेंबरशिप एग्रीमेंट। ओके, इफ़ यू वांट टू एड योर हस्बैंड और वाइफ आईडी, यू कैन क्लिक यस, यू कैन एड देयर, और यू कैन लेटर व्हेन एटोमी बांग्लादेश विल ओपन यू कैन स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, टू अगेन फोकस ऑन नेक्स्ट। ओके, आफ्टर फिल अप ऑल डिटेल्स यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो अगेन यू हैव टू एड योर स्पॉन्सर। ओके, यू हैव टू एड योर स्पॉन्सर, राइट। दिस इज लास्ट फेज एंड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो स्पॉन्सर आई डी यू हैव टू एड हेयर एंड यू शुड हैव स्पॉन्सर आई डी वेयर यू वॉन्ट टू ज्वाइन। सो आई एम गोइंग टू एंटर 3447431। ओके, 3447431। सो यू हैव टू चेक सर्च, क्लिक ऑन दिस सर्च अगेन। सो वेन यू क्लिक ऑन सर्च दिस इज सेलेक्ट हेयर। ओके, सो सेलेक्ट एंड नेम इज माया कुमारी। ओके, आई विल चूज द सेम सेंटर एज द स्पॉन्सर। सो यू हैव टू सेलेक्ट द सेम सेंटर एज स्पॉन्सर अगेन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट, कन्फर्म, राइट। सो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट हेयर। नाउ यू आर ए रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ एटोमी बांग्लादेश, राइट।
So this is the registration. Welcome to sign up. This message will show on your screen. Please enter your information to sign up, right? So you can check here. Completed, congratulations, your information. This is your information account.